हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वाली हैं और आप भी पीएमसी का संचालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक मैसेज आ रहा है अजय चौबे जी के द्वारा। उस मैसेज में क्या चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में भी ये पूरा वीडियो है हमारा। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं हमेशा पीएमसी को रिफर्श करके आप तक वीडियो लेके आता हूँ। तो इसमें जो होता है सारी चीजें मैं जेन्युइन चीजें देने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको जो चीजें हैं वो क्लियरली समझ में आएंगी दोस्तों। तो कर दो सब्सक्राइब, पैसे थोड़ी ना ले रहा हूँ मैं आपसे। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले देखो, हम बताते हैं कि जो मैसेज आया है वो क्या है, क्या चीजें मैसेज में क्या कही गई है। अजय चौबे जी का मैसेज क्लियरली ये आया है कि 31 अक्टूबर के पहले पहले जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका एग्जाम करवा लें, अन्यथा आपका जो स्टूडेंट है उनको डिसेबल कर दिया जाएगा। मतलब उसमें जो जानकारियां हैं उनको हटा दिया जाएगा, स्टूडेंट को डिसेबल कर दिया जाएगा। तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट यहां पर बताई गई है। तो ये जो मैसेज है सत्य तो है, मगर इसकी जो लास्ट डेट है वो सत्य नहीं है। मतलब 31 अक्टूबर के बाद भी आप एग्जाम करवा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमेशा पिछले भी कई बार डेट दी गई हैं, उसके बाद भी एग्जाम चल रहे थे, तो अब की बार भी ऐसा ही होगा। आप करीब 15 दिन का टाइम अब आपको और मिलेगा अपने एग्जाम क्रॉस करवाने के लिए। तो जो पहले तो जितने भी हैं उनको इसी मंथ कंप्लीट कर लें। अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो अगले मंथ 15 तारीख तक जरूर कंप्लीट कर लें। देखिए, जब जब पोर्टल पे डिसेबल होता है स्टूडेंट, उसके कुछ टाइम बाद उन्हीं स्टूडेंट के जगह पे नए स्टूडेंट ऐड करने के लिए आते हैं। कहने का मतलब है कि टारगेट बढ़ जाता है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो पीएमजी दिशा का टारगेट ऐसे ही बढ़ता रहता है। बाकी पीएमजी दिशा किस तरीके से चल रहा है वो तो आपको पता भी है। बाकी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए पीएमजी दिशा के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर रखी हुई हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें वो जानकारी हमसे पर्याप्त नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ पे अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। अगर मुझे लगा कि आपका जो कमेंट्स है वो जेन्युइन है तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा और आपसे की जो ये प्रॉब्लम्स है उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। अगर आप पंचायत डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं हमारी टीम पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर जाकर के आप पंचायत डॉक्यूमेंट जरूर बनवा सकते हैं दोस्तों। तो यही इसमें था, बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है सारी चीज़ें पता हैं।